हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं पूनम की दुनिया। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही जो भी फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप लोगों को देखने को मिलती रहे। और आज का वीडियो छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी ना आज है संडे और अभी शाम का टाइम है, शाम के 6 बजे का टाइम है। तो ये बर्तन थोड़े धोने को पड़े थे, मैंने वो सारे बर्तन जो हैं यहाँ पे धो दिए हैं। और ये मटर मैंने ना काफ़ी टाइम से रखी हुई है फ्रिजर में, तो आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, तो थोड़ी सी बची, अब तो ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पर मैंने आलू निकाल लिए हैं, तो आज बनाऊँगी मैं आलू मटर की सब्ज़ी। तो इसको स्टोर करने से, रखने से ना, मतलब जब मर्जी कभी बनानी होती है ना मटर, तो जल्दी से बन जाती है। इसको पानी में डाल दो तो बस। यहाँ पे देखिए आलू वगैरह सब मैंने छील लिए हैं, मटर भी देखो हमारी बर्फ़ जो है उसकी पिघल गई है। और यहाँ पे प्याज वगैरह भी चॉप कर लिया, बस टमाटर रह गया प्याज उसमें डालने के बाद, टमाटर भी मैं चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तो ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है अपना जीरा। तो बना लेते हैं आलू टमाटर की, आलू मटर की सब्ज़ी। टमाटर निकल रहा है मेरे मुंह से। और ये देखिए सारे मसाले वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अभी जब डाल देंगे इसमें मसाले भुनने के बाद, इसमें मटर और आलू वगैरह है सब कुछ इसमें डाल देंगे और फ्राई करके फिर डाल देंगे इसमें पानी। तो यहाँ पर जो है देखिए मेरी सब्ज़ी जो है छोंक दी है, और यहाँ पर बन रही है मैगी। सारिका की फरमाइश हो रही है आज की मैगी खानी है, काफ़ी दिनों से उसको मैगी नहीं दी है मैंने, तो आज मैं चलो बना देते हैं। और यहाँ पे मैगी बन रही थी, सब्ज़ी बन रही है, साथ ही मेरे कूलर में पानी भी नहीं था, तो मैंने पाइप लगा दिया है कूलर में, साथ के साथ कूलर में पानी भी भर जाएगा। और उसके बाद मैं इधर आ गई थी सारिका के, आज मैंने हेयर वॉश किया था सुबह, और उसके बाद ना ऑयल नहीं लगाया था, तो अभी मैं ऑयल लगा दे रही, क्योंकि कल से स्कूल जो है ओपन हो जाएंगे, तो सुबह तो वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, तो अभी इसके ऑयल वगैरह जो है सारा मैं लगा देती हूँ। और आज ना मैं संडे था सुबह, आज मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैं सोच रही थी करूँ पर स्टार्ट ही नहीं कर पाई, कुछ प्रॉब्लम सी हो गई थी, तो इस वजह से। तो आज मैं ना शाम को जो है वीडियो बना रही हूँ, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो। तो यहाँ पे जो है मैंने उसके ऑयल लगा दिया है, और अच्छे से कर दूँगी उसको मालिश। उसको मालिश करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे ये देखिए मेरा कूलर भी है जो भर चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मैगी बन गई है, और अभी मैं जा रही हूँ मैगी लेकर। ये देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो टीवी में आवाज़ कम करा के गई थी, तो ये यहाँ पर मैगी ले आई हूँ। लेकिन ना मैगी खाएंगे ये लोग, लेकिन पहले इन लोगों को मैं नहलाऊंगी जब तक ठंडी रहेगी मैगी, क्योंकि ना मैं अभी इतनी गर्म गर्म तो वैसे नहीं खाएगी, ड्रामे करेगी एक घंटे तक, तो इससे पहले मैं इसको नहला देती हूँ। और सब्ज़ी मेरी बन रही है, ये देखो अभी हो गए हैं 7:25। तो वही खाते खाते इनका ना वही टाइम रहता है सारी काका, क्योंकि देर में खाती है। और आज ना बड़े दिनों बाद मैंने इसको मैगी दी है, ऑटो गर्म हो जाए जल जाएगी अक्षु। तो मैंने ना आज काफ़ी दिनों के बाद मैगी बनाई, मुझे ये रोज़ बोलती, लेकिन ना मैं ना इसको पकड़ो से, मैं ना इसको मैगी ज़्यादा नहीं देती, पकड़ लो अक्षु को, ज़्यादा नहीं देती हूँ मैगी, इसको बहुत कम देती हूँ, अब तो बहुत ही कम कर दिया मैंने, काफ़ी दिन से नहीं दिया, तो आज ज़्यादा जिद करती मैं, चलो इसको खिला देते हैं मैगी, काफ़ी दिनों से नहीं दी है, तो चलिए इसको नहलाते हैं। अभी देखना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी अक्षु कैसे मस्ती करती है, तो आप लोग बने रहना वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही जो भी फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी थी, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करने से ना अच्छा लगता है, तो आप कमेंट जरूर करना। क्या हुआ, खेले खेले कर लो, मग्गा चाहिए, मैं देती हूँ मग्गा, रुको, ये लो ये देखो इसको, क्या हुआ क्या कर ले हो, इसे देखो कितनी मस्ती आती है, पानी ले रहे हो बाल्टी में से, ये देखो बाल्टी में से पानी ले रही है, है नहीं बाल्टी का पानी, मैंने भरा नहीं है अभी। तो इन दोनों का अभी नहाना धोना यहाँ पे हो गया है, और अभी सारिका खा रही है मैगी, तो अक्षु भी मैगी खाने के लिए बहुत करती है,
शुरू से ना बच्चों को ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो यहाँ पे मैगी अक्षु भी खा रही है और साथ में मैं उसका दूध भी ले आई हूँ। थोड़ा थोड़ा मैगी खाती रहेगी, साथ साथ मैं उसको दूध पिलाती रहूँगी। बॉटल से ये दूध नहीं पीती है, मैंने क्या कर रखा है इसके निप्पल जो है ना ऊपर से कट कर रखी है, इसके मुँह में ऐसे डाल डाल के पिलाना पड़ता है। मतलब खाना खिलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे इन दोनों को ही। और यहाँ पर ये देखिए मेरी सब्ज़ी इधर आलू मटर की जो बन चुकी है। और तो अभी बज गए हैं रात के 8, ये देखो तो इनका मैगी वैगी खा लिया, देखो ये कैसे रो रही है अक्षु। और ये देखो अभी लगाएगी सारी का बैग, सुबह जाना है स्कूल क्योंकि कल स्कूल हो गए ऊपर, पहले इसको ले लूँ। अब ले लिया मैंने इसको गोद में, ये रो रही थी बहुत, तो मैंने इसके बुक्स वगैरह भी निकाल के दे दिया। ये देखिए अब ये लगा रही है अपना बैग, बैग ही खुद ही लगाएगी। मैंने इसका ना बैग धो धा के साफ सूख दिया, सुखा दिया मतलब, और ये इसका बैग लगा लेती है, लगा लो इसमें और जो मैट्री बॉक्स भी रख लो क्योंकि सुबह ना बहुत ज़्यादा लेट होता है तो फिर ना वैसे बोट में करती है। तो इसके ना अभी मैंने बैग वगैरह सब अभी लगवा दूँगी और इसकी यूनिफॉर्म वगैरह जब सब ना सेट करके एक साइड में रखूँगी ताकि सुबह मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सुबह फिर अक्षु भी परेशान करती है, सुबह ना बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है, अक्षु तो मेरे साथ ही उठ जाते हैं ना, तो इसलिए। तो अभी ये लगा लेती है बैग और उसके बाद अभी सारी का पिएगी दूध, दूध जरूर पीना है। मैगी ना मैंने जानबूझ के थोड़ी बनाई थी क्योंकि मैगी से पेट भर लेती है फिर ना दूध नहीं पीती है, इस वजह से मैंने ना मैगी थोड़ी बनाई ताकि थोड़ा उसके पेट में जगह बचे दूध पिलाने के लिए। और ये देखो कैसे कर रही है, ये जाने के लिए कर रही है बुक्स के पास फाड़ने के लिए, फाड़ देती है तो अभी पिएगी क्योंकि इसके पापा ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अगर ये दूध नहीं पीता। अभी दूध पिलाना बाकी है फिर इसको सुलाऊंगी, तो चलिए इसको सुलाने पिलाने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। मुझे रोटी बनानी है और देखती हूँ थोड़े बहुत चावल बना लूँगी, और तो आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए हैं और ये देखिए जस्ट अभी आए हैं, अभी बज गए हैं रात के 9:30। तो सारिका अक्षु सो गई थी, उसके बाद ना मैं थोड़ी बहुत जो है वीडियो एडिट कर लेती हूँ लेटे लेटे, और उसके बाद मैं इधर आ गई थी उनको पानी वानी देने के बाद, वो चले गए थे थोड़ी देर बैठ के नहाने धोने, और मैं रोटी बनाने के लिए आ गई थी क्योंकि खाली रोटी बनानी है मुझे, चावल भी बना लिए मैंने क्योंकि मेरे को ना पता नहीं क्यों चावल के बिना ना पेट नहीं भरता ऐसा लगा। गर्मी में तो खासकर चावल चाहिए होते हैं मेरे को, सर्दियों में तो फिर भी रोटी खा लो लेकिन मेरे को गर्मी में चावल के बिना पेट ही नहीं भरता है पता नहीं, तो इसलिए थोड़े चावल जरूर मेरे यहाँ बनते हैं। और थोड़े बहुत अक्षु बोल रही हूँ हस्बैंड भी खा लेते हैं। देखिए हमारी थाली लग चुकी है, तो आप भी आ जाइए यहाँ खाना खाने के लिए। आज ना दही ख़त्म हो गई थी तो इस वजह से दही नहीं है आज, और मैं ना मंगाना भी भूल गई और जमाई नहीं थी मैंने दही, जमाना भी भूल गई, दिमाग से निकल गया मेरे बिल्कुल। और खाना खाने के बाद ये देखिए थोड़े बहुत जो बर्तन थे सारे धो दिए थे, और मैं ना इसका लंच बॉक्स धोना भूल गई थी यहाँ पर, और बॉटल वगैरह तो सब धो के रख दिए। तो ये देखिए यहाँ पे सब धो दिया है, मैं बॉटल बंद कर रही थी, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से बॉटल बंद कर रही थी, तो ढक्कन बंद नहीं हुआ मैंने ऐसे रख दिया, बाद में बंद करूँगी। तो ये देखिए किचन का भी रात का जो है सारा काम यहाँ पे मेरा, ये देखो सारा डन हो चुका है, किचन क्लीन हो गई है। किचन क्लीन रात को कर दो ना तो फिर सुबह के लिए ना थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ एलोवेरा, और यहाँ पे ना हस्बैंड जी ना ब्लूटूथ ढूंढ रहे थे अपनी और इनको मिल नहीं रही थी, मैं बोल रही हूँ वहाँ रखी उनको कुछ मिलता नहीं है तो हंस रहे थे मैं बोल रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद वीडियो एंड करते हैं।